ओम शांति। 23 अप्रैल 2024 की प्रातः साकार मुरली। मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। प्रश्न, तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? उत्तर, तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। तुम बच्चों को घर जाने के पहले सत्वप्रधान बनना है। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सत्वप्रधान बनाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सत्व प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। अब भूल बनना है, अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, कोई भी गफलत नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। माया के तूफानों की परवाह न कर कर्मेंद्रिय जीत बनना है। लीवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। वरदान, सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव। सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्से का अधिकारी बना देना ये पुण्य का काम है। जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते वह शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। स्लोगन, मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। ओम शांति।